Hello students, my name is Group Captain Ashok Kumar. I am working with Indian Air Force and for last 12 years I am working in the field of cyber security. Aaj is chapter mein hum padhenge security control design. Learning objective of this chapter are what are technical security controls. Hum ye samajhne ki koshish karenge ki preventive controls kya hote hain. साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने सिस्टम को मैलिशियस अटैक से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और दो कंप्यूटर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं. एक नया टॉपिक जो यूनिक है इस चैप्टर में वो है क्लाउड कंप्यूटिंग. तो चलें आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं कि सिक्योरिटी डिज़ाइन कंट्रोल डिज़ाइन में हम क्या देखते हैं. सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो हैं वो सेफ गार्ड्स हैं जिससे कि हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारे सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं है और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको काउंटर कैसे किया जाए और ये सब एक्शंस लेकर के हम अपने सारे सिक्योरिटी रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सिक्योरिटी रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, एक्शन लेकर के हम खाली उसको मिटिगेट कर सकते हैं. अल्टीमेट एम है कि हमको अपने इंफॉर्मेशन एसेट्स को बचाना है. सिक्योरिटी कंट्रोल्स हमारी मदद करते हैं ताकि हम जो अटैक से हमारे इंफॉर्मेशन एसेट्स को डैमेज होने वाला है उसको कम से कम कर सकें और साथ ही साथ अटैकर को हम डेटर कर सकें. इट वर्क्स एज अ वेरी बिग डेटरेंट. How do we design security controls? Criteria to design security controls जो हैं वो टाइम के ऊपर बेस्ड हैं और उनकी नेचर क्या है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं. तो चलिए देखते हैं टाइम के बेसिस पे कितने तरह के सिक्योरिटी कंट्रोल्स हो सकते हैं. एक प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, जैसा कि हमको पता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो हम इसके दौरान वो मेजर्स लेते हैं जिसमें के सारी थ्रेट्स मिटिगेट हो जाएं. जितना काम हम प्रिवेंशन ले सकते हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर दें. कुछ चीज़ें प्रिवेंशन के दौरान हो सकता है कि हमने इमेजिन ना की हों, साथ ही साथ फिर हम उसको डिटेक्ट करेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो हम उसको, हम ऐसी हालत में होना चाहिए कि हम उसको डिटेक्ट कर सकें और उसके खिलाफ एक्शन ले सकें. करेक्टिव कंट्रोल्स, इन केस डिटेक्शन होने के बाद प्रॉब्लम बहुत टाइम बाद डिटेक्ट होती है और हमको डैमेज पता चलता है तो विद द हेल्प ऑफ करेक्टिव कंट्रोल्स वी आर एबल टू टेक केयर टू रिस्टोर द सिस्टम बैक. नेचर, उनके जो स्वभाव के हिसाब से जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं. फिजिकल कंट्रोल्स हैं. फिजिकल कंट्रोल मतलब फेंसिंग लगाना है, आपको स्मार्ट कार्ड सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम्स हैं, गार्ड खड़े करने हैं, ये आपके फिजिकल कंट्रोल की कैटेगरी में आता है. प्रोसीजरल कंट्रोल्स, हमने प्रोसीजर्स बना दिया कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको जाने के लिए ये बाउंड्री पास करनी पड़ेगी, रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी, या आप अगर उस एरिया में जाने के लिए ऑथराइज नहीं हैं तो आपको उस एरिया में एंट्री नहीं मिलेगी. तो ये प्रोसीजर्स जो बनाते हैं टॉप मैनेजमेंट, उसी के बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन होता है सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स. अब आते हैं हम टेक्निकल कंट्रोल्स की तरफ. टेक्निकल कंट्रोल्स क्या हैं? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि टेक्निकल मेथड्स टू एंश्योर दैट सिक्योरिटी प्रोसीजर्स आर इम्प्लीमेंटेड आर टेक्निकल कंट्रोल्स. फॉर एग्जाम्पल, यूजर नेम एंड पासवर्ड हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी इज वन ऑफ द मैथड्स. LDAP, वेन वी आर यूजिंग लिनक्स मैथड और यूनिक्स मैथड, तो हम लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल यूज करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. और भी टेक्निकल मैथड्स क्या हो सकते हैं? जैसा कि हमने देखा
biometric attendance, biometrics, iris scan, और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. पाम वेन कंट्रोल, पाम वेन स्कैन इज वन ऑफ देम. लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस कंट्रोल्स. आप किसी भी एरिया का एक्सेस हम दे रहे हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन एक्सेस दे रहे हैं, तो आपको लोगों से नॉन डिस्क्लोजर लॉ, अपने एम्प्लॉयज से रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो कि वर्ल्ड वाइड लॉज बने हुए हैं, उनसे हम एक लीगल एक कंसेंट ले सकते हैं कि आप हमारे सिस्टम्स को एक्सेस कर रहे हैं, ये हमारी इंफॉर्मेशन की प्रायोरिटी है, ये सीरियसनेस है. अगर ये इंफॉर्मेशन आपसे लीक हुई तो आप इसके जिम्मेदार होंगे. देयर इज अ सेइंग दैट अकाउंटेबिलिटी इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज इंडिविजुअल एंड इनडिविजिबल. हर एक इंडिविजुअल को ये अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी और ये बांटी नहीं जा सकती. बहुत से लोग बोल देते हैं कि साहब मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड अपने किसी पीए को या असिस्टेंट को दिया हुआ था, ये गड़बड़ उसने किया है. नहीं, अगर आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड है तो अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी आप ही की है. ये बड़ा ध्यान रहे. टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो प्रोवाइडिंग एक्सेस कंट्रोल. दिस इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर. और टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स हम कैसे लगाते हैं? हर सिस्टम में आज की तारीख में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिलता है. मींस बेसिकली वी आर ट्राइंग टू गार्ड अगेंस्ट द वायरस अटैक्स. रोज तारीख में, हर नई तारीख में एक नई कोई वल्नरेबिलिटी रिवील होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में और किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, और लोग उसका, अटैकर्स उसका वायरस बना के सिस्टम्स को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं. इसी तरह से हमारे लाइब्रेरी कंट्रोल सिस्टम्स हैं, पासवर्ड्स हैं, स्मार्ट कार्ड्स हैं. स्मार्ट कार्ड में मैग्नेटिक चिप होती है जैसे आपको पता है, और उसके ऊपर आपके क्रेडेंशियल्स होंगे, और उसके साथ ही साथ आपको एक पिन या कुछ चीज़ और ऑथेंटिकेशन के लिए वन फैक्टर और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. इंक्रिप्शन, आप कितना भी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगा लें, आपका अगर डेटा अनइंक्रिप्टेड है, प्लेन टेक्स्ट में है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी अटैकर को नहीं होगी आपका डेटा कंप्रोमाइज करने में. तो इंक्रिप्शन किसी भी सिस्टम में बहुत ज़रूरी है. डेटा चाहे ट्रेवल कर रहा हो या डेटा एट रेस्ट हो, मतलब डेटा चाहे कंप्यूटर में स्टोर्ड हो या फिर जब आप नेटवर्क पर डेटा पास कर रहे हैं उस हालत में हो. बहुत सारे नेटवर्क्स में बाहर से एक्सेस करने के लिए डायलअप एक्सेस कंट्रोल लगाए जाते हैं, वो भी एक वल्नरेबिलिटी हो सकती है अपने आप में. इसको लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी टाइम में कोई प्रॉब्लम आ जाए और यूज़र बोले कि मेरे को ये मदद चाहिए, तो वो बाहर से एक्सेस करके, डायल करके उस नेटवर्क में मॉडेम के थ्रू अपना आ सकते हैं. और इट इज़ अ डबल एज सोर्ड, पीपल कैन यूज इट टू हैक द सिस्टम ऑल्सो. सो वट एवर टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स वी प्रोवाइड, वी हैव टू वे बोथ लेफ्ट एंड राइट, एंड देन ओनली वी नीड इम्प्लीमेंट. इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑल दीज मेजर्स इज सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिक्योरिटी मेजर्स विच यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट कैन रिजल्ट, if it is implemented in a bad manner, can result in getting the system compromised. What are detective technical controls? Audit trails. जब भी कोई सिस्टम ऑन होता है तो by default उसके अंदर सिस्टम लॉग्स बनते रहते हैं. तो अगर हमको सिस्टम को ठीक ठाक रखना है तो उसके अंदर हमको इनेबल करना होता है, ताकि इन वर्स्ट केस सिनेरियो हमने एंटीवायरस डाला हुआ है, हमने स्पाईवेयर, एंटी स्पाईवेयर डाले हुए हैं, तो कई बार क्या होता है कि सिग्नेचर डिटेक्ट नहीं हो पाई, नया कोई अटैक आया. बट ऑडिट ट्रेल से हम उसको पकड़ सकते हैं कि हाँ ये इवेंट हुई थी, विच कैन बी बैक ट्रैक्ड. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट विच वे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द इंट्रूडर वॉज डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड. द करेक्टिव टेक्निकल कंट्रोल्स बहुत ज़रूरी हैं कि
गड़बड़ होने पे उसका करेक्शन किया जाए. ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड इज वन ऑफ देम. रीसेंट रैंसमवेयर अटैक जो हुए हैं उसका एक ही रीजन था कि विंडोज एक्सपी जो कि एक्सपायर हो गई थी 4-5 साल पहले, अभी भी लोग उसको यूज करते जा रहे हैं. नेचुरली उसमें वल्नरेबिलिटीज होंगी और किसी ने उसका एक्सप्लॉइट बना करके सिस्टम को अटैक किया. बैकअप डेटा रिस्टोरल बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हम बैकअप ले रहे हैं और कहाँ से हम उसको रिस्टोर कर रहे हैं. ये ही हमारी एक लाइफलाइन होती है कि जब हम टोटल डिज़ास्टर से हम लोग रिकवर करते हैं कि आज की तारीख में हमारे सिस्टम बैठ गए, पावर चली गई, कहीं कुछ भी नहीं है, तो बैकअप डेटा हमारा वो इस सिचुएशन में हमारे जान बचा लेता है. एक्चुअली वल्नरेबिलिटी मिटिगेशन, धीरे धीरे हमको वल्नरेबिलिटी पता चलती हैं अपने सिस्टम में. हो सकता है आज कोई वल्नरेबिलिटी ना हो, हो सकता है वो कोई वल्नरेबिलिटी आज हमें वल्नरेबिलिटी ना लगे, पर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एज एंड व्हेन वी कम टू नो अबाउट द वल्नरेबिलिटी वी नीड टू टेक करेक्टिव एक्शन एंड मिटिगेट इट. हाउ डू वी प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेलिशियस अटैक्स? सबसे पहली चीज, वी हैव टू चूज अ वेरी रिलायबल एंटीवायरस. वी हैव टू इंस्टॉल अ रियल टाइम एंटी स्पायरवेयर प्रोटेक्शन. एंड आप कितना भी अच्छा एंटीवायरस डाल लें और कितनी भी अच्छे एंटी स्पायरवेयर डाल लें, अगर आप उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते हैं, तो वो किसी काम का नहीं है. इससे अच्छा है आप ना ही डालें. तो उतना जरूरी डेफिनेशंस को अपडेट करना है जितना कि उसको डालना. ऑटो रन बाय डिफॉल्ट आप अगर देखेंगे, स्पेशली विंडोज सिस्टम्स में, आप कोई भी सीडीज डालिए और कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस डालिए, वो ऑटो रन आपसे ऑप्शंस पूछता है. वो अपने आप में एक वल्नरेबिलिटीज है, तो हमें इसको डिसेबल करना है. हमको टाइम टू टाइम स्कैन भी करते रहना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमसे छूट गई. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि जो हमें मेल्स आती हैं उसमें अटैचमेंट लग के आते हैं, और बहुत सारे केसेस में वो अटैचमेंट जो है वो मलिशियस होते हैं. वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कोड डाल दिया या कोई अटैचमेंट में कोई कोड डाल दिया, अगर आपके सिस्टम पे वल्नरेबिलिटी है, आपने डाउनलोड किया उस अटैचमेंट को, तो आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो सकता है. स्मार्ट सर्फिंग की बहुत ज़रूरत है. क्यों? हम वेबसाइट्स पे जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स देखते हैं, और देर आर वेबसाइट्स विच हैव विच विल अट्रैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसी न किसी रास्ते से आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और जब उन साइट्स पे आप जाते हैं तो फिर वो आपके सिस्टम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, वेबसाइट अटैक करना शुरू कर देते हैं. दूसरा, एक बड़ा सिंपल सा ऑप्शन होता है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कि फ्री फायरवॉल यूज़ कर लें. बहुत सारे फ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ्रीवेयर, दे आर गुड ऑल्सो, बट इट इज़ बेटर, ऑलवेज प्रेफर्ड दैट वी डू ए हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, बिकॉज एक्शन एंड स्पीड ऑफ पैकेट फिल्टरिंग इन ए हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इज डेफिनेटली बेटर देन ए सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल. वी शुड ऑलवेज डिप्लॉय DNS प्रोटेक्शन. इफ योर DNS डोमेन नेम सर्वर अगर कंप्रोमाइज हो जाता है, तो आपको गलत तरीके से गलत साइट पे डायरेक्ट किया जा सकता है. जब नेटवर्किंग में हम DNS पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम अगर टाइप करते हैं hotmail.com या yahoo.com या google.com, तो हाउ वी रीच दैट पर्टिकुलर साइट, तो ये काम करता है DNS सर्वर. और अगर DNS सर्वर ही अगर हम कंप्रोमाइज हो गया, अगर प्रोटेक्शन हमारा नहीं है, तो फिर हमको कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर दूसरे मलिशियस DNS सर्वर पे गाइड कर सकता है, और जहाँ से कि हम गलत फंस सकते हैं. अब हम देखेंगे कि नेटवर्क और नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या चीज़ है. किसी भी कम्युनिकेशन में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर, जो कि सेंडर जो कम्युनिकेट करना चाहता है और रिसीवर जो कम्युनिकेशन रिसीव कर रहा है, और उनके बीच में एक चैनल है. इट कुड बी वायर्ड मीडियम, इट कुड बी वायरलेस और एनीथिंग. अब ये किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से अपने आप से ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, वो चीज़ें देखने की हैं. किसी भी डाटा कम्युनिकेशन को कैसे करेक्टराइज करेंगे हम? सबसे पहले कि डेटा जो सेंडर भेज रहा है
वो करेक्ट डेस्टिनेशन पर जाए और जो भी डाटा भेजे, जो मैं भेजना चाह रहा हूँ वही डाटा पहुँचे एक्यूरेटली. सबसे पहली चीज़ डिलीवरी टू द करेक्ट डेस्टिनेशन एंड एंड यूज़र. सेकेंड थिंग इज डिलीवरिंग एक्यूरेटली, जो मैं भेजना चाह रहा हूँ वही पहुँचे. और तीसरी डिलीवरी इन ए टाइम फ्रेम. ऐसा नहीं कि मेरे को तुरंत डेटा चाहिए और मुझको 3 दिन बाद डेटा आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं रहता. तो ये करेक्टरिस्ट हैं आपके डेटा कम्युनिकेशन की. तो इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं डेटा कम्युनिकेशन के. सबसे पहली चीज़ है मैसेज, कि हमने भेजना क्या है. मैसेज नीड नॉट बी अ टेक्स्ट, इट कुड बी एनी डेटा. इट कुड बी ए वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इट कुड बी अ पिक्चर, एंड सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. सेंडर हैज़ टू बी देयर, रिसीवर हैज़ टू बी देयर, एज वी डिस्कस ट्रांसमिशन मीडियम. और जो पहले हमने नहीं बात की थी वो है प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. प्रोटोकॉल इज अ लैंग्वेज ऑफ नेटवर्क. जैसे आप इसको ऐसे समझें कि दो हिंदी भाषी लोग आपस में बात करना चाहते हैं, चाहे टेलीफोन पे हो, चाहे कंप्यूटर पे हो, थ्रू ईमेल हो, तो वो किसी मीडियम का यूज़ करेंगे, चाहे वो टेलीफोन का यूज़ करें. तो पहले वो डायल करेंगे एक दूसरे साथ, नंबर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होगा, और फिर उसके बाद वो बात करना शुरू करेंगे. तो जो नेटवर्क की भाषा है उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल. ये अलग अलग होती है, वॉइस के लिए अलग है, डेटा के लिए अलग है. आपने सुना होगा नाम GSM, CDMA, और नेटवर्क के केस में हम यूज़ करते हैं TCP/IP. डाटा जो हम भेजते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे कि हमने पहले बात की थी, टेक्स्ट हो सकता है ABCD के फॉर्म में, नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, मेरी पर्सनल इमेजेस. आपने सब लोग, अधिकतर लोग यूज़ करते हैं फेसबुक, और कैमरा की इमेजेस हैं, कैमरा से लिए उसको डाउनलोड करके हम नेटवर्क पे एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं. ऑडियो मैसेजेस हैं, वीडियो हैं. आजकल जो भी TV प्रसारण आते हैं, क्रिकेट मैचेस आते हैं, वो सब डेटा के फॉर्म में ही आते हैं. ये डेटा नेटवर्क पे फ्लो कैसे करता है, इसके 3 तरीके हैं. सिंप्लेक्स मतलब या तो रिसीव करेगा या सेंड करेगा. आप कंप्यूटर में देखिए, मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर खाली डेटा रिसीव करता है. CPU है अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो खाली डेटा भेजती है, कंप्यूट करती है और डेटा भेजती है. दूसरा डेटा फ्लो का मेथडोलॉजी है हाफ डुप्लेक्स, मींस कि या तो एट ए गिवन टाइम या तो मैं रिसीव करूंगा या मैं ट्रांसमिट करूंगा. तो सिंगल चैनल है, उसके ऊपर अगर डेटा आ रहा है तो जा नहीं सकता, जा रहा है तो आ नहीं सकता. तीसरा है फुल डुप्लेक्स, मतलब एट ए गिवन टाइम हम लोग ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. हाफ डुप्लेक्स का कोई एग्जांपल आप सोचें. एक एग्जांपल मुझे अच्छे से ध्यान में आता है, वो है वॉकी टॉकी. पुलिस वालों को आपने देखा होगा वॉकी टॉकी यूज करते हुए, तो एक टाइम पे एक ही आदमी बात कर पाता है. फुल डुप्लेक्स का सबसे जीवंत उदाहरण जो है वो है हमारा टेलीफोन, जिसमें कि दो पार्टीज आपस में एक ही टाइम पे ट्रांसमिट भी कर देते हैं और रिसीव भी कर देते हैं. तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, हमने कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, प्रोटोकॉल, इन सब के बारे में जाना. तो ये अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की. कंप्यूटर नेटवर्क जो है, इट्स एन अरेंजमेंट विद 2 or more कंप्यूटर्स और डिवाइसेस इन विच दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. इट शुड इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, एंड परफॉर्मेंस बाई अचीविंग हायर थ्रूपुट. तो ये कंप्यूटर नेटवर्क में हम 4 चीज़ें इंश्योर करते हैं, कि एक आपस में कनेक्ट हो जाए, दूसरा जो डेटा कम्युनिकेट करें वो रिलायबल हो, सिक्योर हो और अच्छी स्पीड के साथ हो. कैटेगरी ऑफ नेटवर्क कैन बी डिफाइंड
mainly in three local area network that we call LAN. हर कॉरपोरेट हर ऑर्गेनाइजेशन में आज की तारीख में लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मीन्स एक सर्वर होता है और बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सर्वर से जुड़े होते हैं. वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है. वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें कि आप दूर दूर एरिया से आप सब कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं. वैन का सबसे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में यू कैन से इज इंटरनेट. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में इसको हम मैन बोलते हैं. तो मैन एक ग्राफिकल ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि आप हल्द्वानी ले लीजिए या किसी एक सिटी का ले लीजिए, उतने एरिया में जितने कंप्यूटर्स को आप नेटवर्क कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो ये नेटवर्क की कैटेगरीज आ जाती हैं. जो हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, डेटा कम्युनिकेशन के लैंग्वेज की प्रोटोकॉल, उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. सिंटैक्स, अब जैसे कि हम देखें किसी भी लैंग्वेज में, आप अगर इंग्लिश में ही देखें तो सिंटैक्स होता है उसका, उसके सिमेंटिक्स होते हैं. नॉर्मली स्पोकन लैंग्वेज में हम सिंटैक्स और सिमेंटिक्स से ही काम चल जाता है, पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिंटैक्स सिमेंटिक्स के साथ साथ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो टाइमिंग्स, क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे डिजिट्स में फ्लो हो रही हैं, जीरोज एंड वंस में फ्लो हो रही हैं ओवर मीडिया. इट कुड बी वायरलेस और वायर्ड मीडिया और एनी अदर मीडिया यू कैन थिंक ऑफ, फाइबर ऑप्टिक. तो उसमें सब चीज़ जो फ्लो हो रही है उसमें टाइमिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, कि कहाँ से ये डेटा जो मुझे रिसीव करना है कहाँ से शुरू हो रहा है और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. अदरवाइज जीरोज एंड वंस मेरे पास आते जाएंगे, उसका मीनिंग मैं निकाल नहीं पाऊँगा. तो ये सब चीज़ें प्रोटोकॉल बनाते समय ध्यान में रखी जाती हैं, कि सिंटैक्स क्या होगा, इसके सिमेंटिक्स क्या होंगे और इसका टाइमिंग मैकेनिज्म क्या होगा, इसका फ्रेम का साइज़ क्या होगा. वो सब चीज़ें डिटेल आपको दूसरे सब्जेक्ट में नेटवर्क में बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगे. अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप देखें तो पहले हुआ करती थी ग्रिड कंप्यूटिंग, आपने सुना होगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. उन सब से निकल के एक टर्म आई है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें कि ऑल ये टेक्नोलॉजी जितनी भी थी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ऑल हैव बिकम ऑब्सोलीट. दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. इसमें आपको सॉफ्टवेयर अगर चाहिए तो इट कैन बी प्रोवाइडेड टू यू एज अ सर्विस. आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इट कैन बी प्रोवाइडेड एंड सो ऑन. क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ओन नहीं करना चाहती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कॉस्टली है और एट ए गिवन टाइम यू कैनॉट मेक आउट कि हाउ मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड. क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको क्लाउड हायर करना है और आप अपने एप्लीकेशन सर्विसेज आप उसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं. और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता है, तो क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो उसको स्केल अप करते चले जाता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को. एंड दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ अ वेरी यूनिक टेक्नोलॉजी कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन. जो वर्चुअलाइजेशन की मदद से क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छा कर रही है और इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है. तो आज की तारीख में लोग हैं क्लाउड होस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं रदर देन ओनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन देयर ओन प्रीमाइसेस. तो बेस्ड ऑन दिस देर आर थ्री टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज. पब्लिक क्लाउड, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने आपको पब्लिक नेटवर्क में आपका जो भी आपको सर्वर, मेल सर्वर, वेब सर्वर, आप ही के नाम पे वर्चुअलाइज पे वो लोग होस्ट कर देते हैं. पर कुछ लोगों को नहीं, वाई शुड वी होस्ट आवर डेटा इन पब्लिक डोमेन और विद समबडी एल्स. सो देयर कम्स एन ऑप्शन कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड, मींस ए प्राइवेट हार्डवेयर विल बी होस्टेड इन विच देयर विल बी नो अदर, नोबडी एल्स विल बी होस्टिंग हिज डेटा. ये पब्लिक में क्या था कि एक ही डेटा सेंटर में
आपका भी, आपके कॉम्पिटिटर का भी, बहुत सारे लोगों का डेटा उसी में होस्टेड है। कोई अगर प्रोप्राइटरी सर्विस है और नहीं चाहते हैं कि हमारा डेटा किसी और के साथ होस्ट किया जाए, तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया क्लाउड प्रोवाइडर को कि भाई आप ये हार्डवेयर पे सिर्फ हमारी सर्विसेज होस्ट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। इसी के ही कॉम्बिनेशन को अगर हम जुडिशली यूज करें तो वी कैन कॉल इट अ हाइब्रिड क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे क्या हैं? एक, क्योंकि आप हार्डवेयर अपना नहीं खरीद रहे हो, आप खाली हायर कर रहे हो, एंड इट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू एट अ सेम स्पीड एंड इम्प्रूव्ड सर्विसेज, तो यू डेफिनेटली इनकर अ वेरी लो कॉस्ट। आपकी स्टोरेज कैपेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, आपको उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आपका जो हार्डवेयर है वो स्केल अप होते चले जाता है और आपको बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। नथिंग कम्स फ्री, क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स ऑल्सो कम्स विद द चैलेंजेस। सबसे पहली चीज, डेटा प्रोटेक्शन। आप कितने भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ कर लें, वो हमेशा मन में एक डाउट रहता है कि देर आर सो मेनी पीपल हु आर होस्टिंग देयर डेटा इन द डेटा सेंटर। तो इसीलिए ऑप्शन है इसमें कि आप प्राइवेट क्लाउड कर लें, बट प्राइवेट क्लाउड इज ऑलवेज कॉस्टलियर देन द पब्लिक क्लाउड। डेटा रिकवरी और अवेलेबिलिटी, वो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास क्या स्किल्स हैं, वो कैसे कर रहा है, दिस ऑलवेज रिमेन्स अ डाउट। तो दिस इज अ बिग चैलेंज। उनकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज क्या हैं, कितने लोग उनका स्टाफ आ रहा है जा रहा है, क्या स्टाफ वो इंडक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर होस्टिंग कंपनी और जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर हायरिंग। और रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिस्ट्रिक्शन विल ऑलवेज बी देयर, जैसे कि इंडियंस को अगर फ्रांस में और यूरोप के किसी डेटा सेंटर में अपना डेटा होस्ट करना है, तो जहां पर भी डेटा होस्टेड है, जहां पर भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वहां के कायदे कानून उस पर लगेंगे, ना कि जो क्लाइंट्स उस पर होस्ट कर रहा है। वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस चैप्टर। I'll just summarize what we have discussed. We discussed about security controls, what are the various security controls. We talked about technical controls of information assets. Inka purpose kya tha? Isme humne padha ke access control systems kya hain, biometrics kya hain, aur kaise kaise hum methods lagate hain taki security controls hum apne information assets ko provide kar sakein. In case of any disaster or in case of any attacks, how do we go about it? Preventive controls क्या होते हैं? Detective controls क्या होते हैं? साथ साथ हमने थोड़ा सा touch किया कि data communication क्या है और network कैसे काम करता है, उसके क्या elements हैं? And in brief, very brief, we touched about cloud computing and its advantages and challenges. With this, we come to an end of this episode. Hope you liked it. In case you have any questions, you can get back to us. We'll be more than happy to answer any of your queries. Thank you.